जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो विषय है वो ऐसी दो चीज़ें जब हम करते हैं, खासकर जब हम साधना करते हैं या किसी भी देवी देवता की, चाहे वो हनुमान जी की हो या किसी भी देवी देवता की हो, यदि हम साधना करते हैं और ये दो काम अगर हम करते हैं तो विपरीत परिणाम हमको मिलते हैं। मतलब काफ़ी कुछ नेगेटिव परिणाम हमको मिलते हैं, दुर्दशा ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वो दो काम हैं, एक तो मांस मीट यदि आप खाते हैं, नॉन वेज यदि आप खाते हैं, खाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, पहले के अगर हम सनातन धर्म की हम बात करें तो जो शूद्र होते थे वो चमड़े का काम करते थे, तो इस वजह से उनको पूजा का अधिकार नहीं था, वो पूजा नहीं कर सकते थे, उनको छुआ भी नहीं जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब सभी कोई पूजा पाठ कर सकता है, लेकिन मांस मीट अशुद्धि अवस्था हो जाती है, इसलिए पूजा पाठ साधना नहीं की जा सकती। तो सबसे पहले यदि आप हनुमान जी की साधना करते हैं तो बिल्कुल भी आप मांस मीट का सेवन ना करें। दूसरा है मदिरा, दारू, वो भी आप सभी जानते हैं, फलों को, अनाज को सड़ाकर बनाई जाती है, तो भी वो भी अशुद्ध है। तो जब भी आप साधना करें, पूजा पाठ आप कर रहे हैं, कुछ आप भगवान से चाहते हैं कि आपको पीड़ा से छुटकारा मिले, तो आपके घर में और आप इस चीज का त्याग करें, फिर रिजल्ट आपको शुभ मिलना शुरू होगा। अब राहु की महादशा अगर आप पे चल रही है और राहु गलत प्रभाव दे रहा हो, तो राहु क्या है, राक्षस है और दिमाग पर इसका कंट्रोल होता है, तो ये आपको बार बार मजबूर करेगा ऐसी चीजें खाने के लिए। तो खुद पर नियंत्रण रखें और मेडिटेशन करें, खुद को जानने, तभी आप कंट्रोल कर पाएं। खासकर यदि राहु का संबंध गलती से द्वितीय भाव से हो जाए या द्वितीय भाव में बैठ जाए, द्वितीय भाव पे दृष्टि पड़ जाए, द्वितीय भाव के स्वामी के साथ युति हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति जरूर मांस मीट का सेवन, दारू का सेवन कर सकता है। शनि भी इसमें अहम रोल निभाते हैं। तो सावधान रहिए, जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो जाए, भले ही आप हनुमान चालीसा पढ़ते हों, भले ही आप किसी भी देवी देवता का आप ध्यान करते हों, पूजा पाठ करते हों, तो इन दो चीज़ों को आप घर में भी ना रखें। शनि राहु अशुभ प्रभाव देते हैं और जो साधना करते हैं उसका विपरीत परिणाम मिलता है, नेगेटिव एनर्जी कहते हैं, नकारात्मक ऊर्जा जो होती है घर में वो भोग लगाती है आपके माध्यम से। तो ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो लोग सेवा पाठ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनको पता चले और उनको शुभ परिणाम मिले। फिर भी लेकर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, श्री राधे।